नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नया लुक। आज हम उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के ऐसे संगठन के पास लेकर चल रहे हैं जो परिवहन निगम की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए काफ़ी दमखम भरता है। हम उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के ट्रेड यूनियन के पास लेकर चल रहे हैं, यूपी रोडवेज एम्प्लाईज यूनियन, जहाँ पर आज हालिया स्थिति को देखते हुए क्षेत्र के चुनाव संपन्न हुए हैं। हम नवनिर्वाचित हुए पदाधिकारियों से भी बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या समस्याएं परिवहन निगम में आ रही हैं और किस तरीके से वो अपनी आने वाली समस्याओं को दूर करने वाले हैं। तो चलिए हम आपको सीधे ले चलते हैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के यूपी रोडवेज एम्प्लाईज यूनियन में नवनिर्वाचित हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष और क्षेत्रीय मंत्रियों के पास। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा और क्या किस संगठन से हैं और किन उद्देश्यों के साथ आज चुनाव चुकी संपन्न हुआ है क्षेत्र का आपके, और आप दोनों लोग क्षेत्रीय मंत्री और क्षेत्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं, तो आगे की क्या रूपरेखा है, किन रूपरेखा के साथ आगे चलने वाले हैं काम करने? धन्यवाद गौरव जी, आपने अपने बहुमूल्य समय में से आज हमारे इस चुनाव में आप आए और संगठन की आगे की गतिविधियों और संगठन के बारे में जानकारी करने की आपने इच्छा जाहिर करी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज यूपी रोडवेज एम्प्लाई यूनियन लखनऊ क्षेत्र का चुनाव क्षेत्रीय अध्यक्ष और क्षेत्रीय मंत्री पद के लिए संपन्न हुआ, जिसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष के पद पर रुपेश कुमार जी और क्षेत्रीय मंत्री के पद पर मुझे सुभाष कुमार वर्मा को निर्विरोध चुना गया। और अब आपके आगे के सवाल का जवाब मैं, जो हमारे प्रांत का निर्देश होता है, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले 15 सूत्री मांग पत्र एक प्रांत के द्वारा मुख्यमंत्री जी को संबोधित भेजा गया था, जिसमें आज अच्छा हुआ कि आप आज आ गए, जिसमें कल ही के दिन जो है मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रमुख सचिव परिवहन के यहाँ उस पत्र को अग्रसारित किया गया और उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया मुख्यमंत्री कार्यालय से कि उसमें यथाशीघ्र कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया। तो संभवतः हम ये समझ सकते हैं कि हमारा प्रदेश का नेतृत्व अपने कार्य को, निगम के हित को, कर्मचारियों के हित को लेकर सदैव सजग रहता है। कुछ दिन पहले अभी हम लोगों की प्रदेश कार्यकारिणी कार्य समिति की बैठक हुई थी, जिसमें पूरे प्रदेश के लोग कानपुर में इकट्ठे हुए थे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष पंडित रामजी त्रिपाठी जी ने प्रत्येक सदस्य से, प्रत्येक पदाधिकारी से उनके शाखाओं में हो रही समस्याओं के संबंध में, उनके क्षेत्रों में हो रही समस्याओं के संबंध में जानकारी एकत्र की। उसके बाद ये 15 बिंदु का जो मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित लिखा गया, उसमें उन बातों को और उन मांगों को सम्मिलित किया गया। आगे भी जैसा हमारे यहाँ प्रदेश का नेतृत्व जो आदेश हम लोगों को करेगा निगम हित में, कर्मचारी हित में, हम लोग सदैव एक साथ और संगठन को आगे बढ़ाते हुए कार्य करते हैं। जैसा कि आपने बताया, अपना मांग पत्र आपने मुख्यमंत्री जी को दिया है, क्या इसके पहले प्रबंधक मंडल से ऐसी कोई वार्ता की गई जिससे कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान निकाला जा सके? जी हाँ, पिछली 10 दिन पहले प्रमुख सचिव महोदय ने खुद ही जो है ये वार्ता की थी प्रबंध निदेशक के उपस्थिति में। सुभाष जी, आपके कर्मचारियों की अगर हम बात मानते हैं, जो कर्मचारियों से आपके फीडबैक मिला है, इस समय ड्राइवरों की हालत बड़ी, स्थिति खराब हो चुकी है, गाड़ियों के मेंटेनेंस का बड़ा अभाव है, पार्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसी समस्या को आप कैसे हैंडल करने वाले हैं? आप निर्वाचित
एक बार फिर से हुए हैं, इस तरह की जो चुनौतियां हैं इनका सामना कैसे करेंगे? देखिए गौरव जी, हमारा काम क्षेत्र का है और जो प्रदेश से जो हमको निर्देश मिलते हैं उसके आधार पर हम अपनी लड़ाई की रूपरेखा को तैयार करते हैं। चूँकि हमको उस मांग पत्र के माध्यम से ये निर्देश मिल चुका है कि जमीनी स्तर पर, शाखाओं स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर एक रूपरेखा तैयार करनी होगी कर्मचारियों की इन्हीं समस्याओं को लेकर के, और जिसका प्रारंभ बहुत जल्दी जो है लखनऊ क्षेत्र से होने वाला है। जो आपने बातें बताई जिन चीज़ों की अभाव परिवहन निगम में है, ये बिल्कुल इसको झुटलाया नहीं जा सकता है। क्योंकि आज स्थिति प्रदेश भर में ये है कि 30% लगभग बसें हमारी जो है केवल इनके टूल्स के और टायर्स के अभाव में ही खड़ी। इस बात को उच्च प्रबंधन तंत्र भी जानता, और अभी सुनने में आया है कि शायद 4 या 5 दिन पहले शायद टायरों का जो है कुछ आदेश हुआ है, और संभवतः अब ये तो बहुत बड़ी व्यवस्था है तो 10-12 दिन पहले अगर कोई चीज़ अगर लागू की गई है उसको ज़मीन पे आते आते कम से कम 20-25 दिन महीना भर तो लगता ही लगता है। स्थिति में सुधार होगा ऐसा प्रबंध निदेशक महोदय ने हमारे और प्रमुख सचिव महोदय ने ये हमारे क्रांति नेतृत्व को जो है ये इस तरीके से संतुष्ट किया। सुभाष जी, आपके मांग पत्र के अनुरूप यदि आपको सफलता नहीं मिलती है, या मुख्यमंत्री महोदय या फिर प्रबंधक आपके जो निदेशक हैं प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा कोई सकारात्मक अगर निर्णय नहीं लिया जाता है, तो फिर किन रूपरेखा के साथ आप आगे की? जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए ऐसा है कि ये खाली एक लखनऊ क्षेत्र की बात नहीं होगी, ये पूरे प्रदेश का मामला है, और जो हमारा प्रांतीय नेतृत्व तो आदेश करेगा उस रूपरेखा के तहत जो है हम लखनऊ क्षेत्र में अपनी समस्त शाखाओं में उस प्रकार की तैयारी करेंगे। जो निर्देश होगा, अगर निर्देश होगा धरने का, प्रदर्शन का, तो वो कार्य हम लोग करेंगे। मैं आप लोग से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।